हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, तो इसका द्वितीय प्रश्न पर चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है रसायन चल रहा है, तो अध्याय 6 यानी जो जैव अणु चल रहा है, इसमें हम ग्लूकोज के बारे में वीडियो अपलोड बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है टॉपिक आपका फ्रैक्टोज। इसके पहले हम आपको फ्रैक्टोज की पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसको देखने के बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको एक जबरदस्त तरीके समझ में आएगा। ठीक है, अगर एक पार्ट छोड़ के अगर आगे से देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है इसका आज का है टॉपिक, ध्यान देखिएगा। तो देखिए, जो आज का रासायनिक गुण है, इसका पहला रिएक्शन क्या है, ध्यान देखिएगा, एसिटिलीकरण। अब एसिटिलीकरण क्या होता है इसमें हम समझेंगे अच्छे से, और इसका हम रिएक्शन भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है, जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया फ्रैक्टोज से कराई जाती है तो फ्रैक्टोज पेंटा एसिटेट बनता है। ठीक है, तो आपका बहुत सारा इसमें ऐसा डाउट होगा कि आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा किसका, पेंटा इसका, किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड जो होता है कितने लोग को पता होगा, कितने लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, और पेंटा एसिटेट तो बनेगा ही। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं फ्रैक्टोज का सूत्र। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा जा रहा है तो लिखेंगे फ्रैक्टोज का पहले। तो चलिए लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रैक्टोज का, CH, ध्यान देखिए CHOH, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा CO हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका CHOH, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब थ्राइस। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका CH2OH, ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्टोज का। तो ये हो गया आपका फ्रैक्टोज। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फ्रैक्टोज, तो अब हम इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अभी हम आपको बताएं कि एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, जरा ये ध्यान देखिएगा, प्लस लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, तो उसका सूत्र होता है CH3। ठीक है, CH3 CO हो जाएगा, यहां हो जाएगा ट्वाइस और यहां हो जाएगा O। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका, हम लेंगे 5 मात्रा, तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको लिख लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड, क्लियर इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया इसका, अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला काम हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो रहेगा आपका CH2 रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, CH2OH। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो बनेगा क्या, पहले ध्यान से देखिएगा एकदम, तो कहां से निकालना है, कहां पे रखना है, ये बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, पहले हम ये जो लिखा है क्या, ध्यान देखिए, ये आपको CH3CO ये दिखाई दे रहा है बीच का चीज, ये कितना है, ध्यान से देखिएगा, यही समझना है आपको, ये कितना दिया है, ये दिया है टोटल 10 ठो। कैसे दिया है 10 ठो, 5 × 10 कितना दिया है, 10 ठो। अब हमको यही एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से एकदम समझेंगे तभी समझ में आएगा, जितना रिएक्शन बड़ा है उतना सिंपल ही है, बस समझना है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या समझना है, ध्यान से देखिए, तो पहले ऊपर दिखाई दे रहा है चीज, दिखाई दे रहा है ना, ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है तो समझ में भी आएगा। चलिए तो पहले लिख लेते हैं, तो पहले हमको ये जो दिया है CO, इसको हम लिख लेते हैं CO, ये हो गया। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, ध्यान देखिए, और ऊपर ऊपर भी बॉन्ड लगा है, तो ऊपर क्या है आपका CH2OH है, तो यहां से H को जरा हटाते हैं, ध्यान देखिएगा, यहां से हटाते हैं। अब हटाने के बाद क्या लगाएंगे ये भी तो समझना पड़ेगा। तो ये जो CO CH3 है, CH3 CO मानते हैं लेकिन CO CH3 भी तो बोल सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, को कैसे रखेंगे ध्यान देखिए, तो CH2 पहले इतना लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या एडजस्ट करेंगे, जो आपका CH2 हो गया, O भी बच रहा है तो O को लिख देते हैं, CH2O हो गया। अब क्या हो जाएगा CO CH3, ठीक है, CO CH3, तो ये CO हो गया ये वाला और CH3 ये वाला, इतना क्लियर है ना। चलिए अभी कितना है, 5 × 10 था, तो एक को हमारा अभी यहाँ पे सेटल हुआ है, लेकिन H अभी बाकी है, H को यहाँ पे रखे हुए हैं, ध्यान देखिएगा इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब देखिए ये हो गया ठीक, इनका फिट है व्यवस्था, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं इसमें, इसमें CH OH कितना है, 3 है, ठीक है, तो यहां से हम 3H यहां से भी निकाल लेते, 3 है ना H, देखिएगा यहां से 3H हम और निकाल लेते हैं। देखिए जो जो बॉक्स में बंद किए उसको हम निकाले हैं, इनको कहां एडजस्ट करेंगे ध्यान से एकदम समझिएगा। तो यहां पे अगर हम H 3 निकाल लेते हैं तो आपका क्या बचा, CHO बचा है टोटल, ठीक है, एकदम सही है ना, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं CHO हो गया। अब यहां से CO CH3 ऐड करेंगे, CO CH3, ध्यान रखिएगा, अब इतना लिख लिए तो ये कितना है, थ्राइस है, ठीक। तो अब हम आपसे पूछें कि कितना हुआ टोटल, तो आप बोलेंगे CO CH3 कितना हो गया, 3 इसमें, ये 3 × 9 मत गिनिएगा ऐसे, CO CH3 यहां पे थ्राइस लगा तो ये 3 यहां पे एडजस्ट हो गया, 1 यहां पे एडजस्ट हो गया, 10 है 4 हो गया। अब 1 और एडजस्ट करते हैं तो कहां करेंगे ध्यान दिखेगा, अब 1 नीचे करेंगे, कैसे, तो नीचे करेंगे तो कैसे करेंगे, CH2O लिख देते हैं, इतना मटेरियल पर लिखेंगे CH2O, इतना हो गया। अब देखिए जो H है यहां से H को भी सरका लेंगे, तो जो जो सर्किल में बंद है उसको हम निकाले हैं, तो इसको कहां एडजस्ट करेंगे ये आपको दिखाएंगे अभी, जस्ट वेट करिए, ठीक है। तो 1 को CO CH3 यहां भी लिखेंगे, तो जगह CO CH3, क्लियर है। अब आइए टोटल गिनते हैं कि CO CH3 हमारा 10 था तो कितना सरकाए अभी, कितना हटाए हैं, ठीक है। तो 1 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, तो टोटल हमारा 5 एडजस्ट हो चुका है, बाकी कितना रह गया है, 1 बाकी रह गया है, सॉरी 10 था तो 5 हो गया, तो 5 रह गया है, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए प्लस लगाते हैं जरा सा, अब देखिए एकदम स्टेप बाय समझिएगा, यहीं पे आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हमारा कितना बचा है, 5 बचा है, तो हम 5 लिख के डायरेक्ट CH3CO लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए, तो हमारा 5 इसमें एडजस्ट हो गया, 5 यहां एडजस्ट हो गया, तो हमारा 10 पूरा एडजस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जो O बचा है अभी इधर, ये वाला O, ये भी तो 5 लगाया गया, तो ये भी तो 5 है, तो यहां पे हम एक O और जोड़ते हैं, ठीक। अब कितना हो गया, 5 आगे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ये कंप्लीट एकदम ओके। अब आपको समझ में आ रहा है, अब देखिए ये जो गोले में बंद किए, इनको जिसको बंद किए हैं, अब इनको जरा बाहर निकालते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं कितने हाइड्रोजन ने निकाला है, 1 यहां से हो गया, 3 यहां से हो गया, प्लस 3 ये हो गया, और 1 यहां से हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 3, 2, 5, तो मतलब 5 हमने हाइड्रोजन निकाला है टोटल, यहां 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 से निकाला है 5, तो हम यहां पे H ऐड कर देंगे आपका, जोड़ देंगे, तो यहां पे आगे 5 लगा हुआ है, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन देखिए कितने सिंपल तरीके से हम आपको समझा दिए। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो फिर से रिपीट करिएगा, आपका दोबारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में आपको कहीं डाउट आपको लग रहा है तब, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो आइए जरा इनका नाम लिख देते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका नाम हमने बताया था आपका फ्रैक्टोज पेंटा एसिटेट बनता है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रैक्टोज पेंटा एसिटेट, तो हो जाएगा फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज पेंटा एसिटेट, एसीटेट हो गया। अब देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड,
ठीक है, सॉरी एसिटिक अम्ल, ठीक है एसिटिक एसिटिक अम्ल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो आइए देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए ये जो दूसरा रिएक्शन है आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। तो दूसरे रिएक्शन में बोला जा रहा है HCN से क्रिया, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, ठीक है। तो आइए कराते हैं, ध्यान समझिएगा। जब फ्रैक्टोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो फ्रैक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो फ्रैक्टोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से होगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, और फ्रैक्टोज तो फ्रैक्टोज रहेगा ही, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो पहला काम हमारा क्या है, फ्रैक्टोज का सूत्र लिखना। तो आइए लिखते हैं, आप भी समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लिखते हैं CH2OH, क्लियर इतना। अब हम करते हैं क्या, इसको करेंगे CO, ये हो गया। अब हमारा यहां क्या रहेगा, CHOH, ये हो गया थ्राइस, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम यहां से खोल लटकाएंगे CH2OH, ये हो गया आपका फ्रैक्टोज, क्या हो गया फ्रैक्टोज, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्टोज। अब हम इसका क्रिया किससे कराएंगे, ध्यान देखिएगा। तो इसका क्रिया हम कराएंगे आपका HCN से, ठीक है। चलिए कराते हैं HCN, इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, समझ जाएंगे कि लिखना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको तो बहुत सारा रिएक्शन ऐसा बताया गया होगा जिसमें इसका नाम अब तक क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। एच से हाइड्रोजन, सीएन से साइनाइड, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आइए इनका हम जरा रिएक्शन कराते हैं, देखिए कैसे क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा। तो हम पहले इसी में रिएक्शन होगा, इसके साथ होगा, ठीक है, कैसे होगा देखिएगा, समझिएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस बीच वाले को। तो इसका हो जाएगा CHOH, इसका हो गया थ्राइस, ये क्लियर हो गया। और नीचे वाला भी लिख लेते हैं, नीचे हो जाएगा CH2OH, ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका तो रिएक्शन होना है, ठीक है। तो कैसे होगा ध्यान देखिएगा, ये आपका C है, C लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान देखिएगा कि आपका जो ये O है इस H के साथ, ये O H के साथ कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। बाकी जो आपका ये CN बच गया, ये कहां जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे CN, ये हो गया। अब देखिए बाकी जो ये ऊपर वाला चीज था आपका, ये वाला चीज, ये सेम यही रहेगा, तो ये हो जाएगा CH2OH, ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। तो हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए अब समझ में आ गया, तो इसका नाम बताते क्या होता है, इसका नाम अभी हमने बताया कि फ्रैक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज साइनोहाइड्रिन, ठीक। तो ये हो गया आपका रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए अगला रिएक्शन समझते हैं। तो अगला रिएक्शन जो है क्या है, अगला रिएक्शन आपका जो चौथा है, ये चौथा नंबर होगा। तो चलिए कोई भी नंबर हो हमसे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे मतलब हमको है टॉपिक से, ठीक है, कि किससे क्रिया कराई जा रही है, ठीक है। तो आइए समझिए थोड़ा ध्यान से, NH2OH से क्रिया, NH2OH का मतलब, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 का मतलब एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो आइए, जब फ्रैक्टोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाती है तो फ्रैक्टोज ऑक्सिम बनता है, क्या बनता है, फ्रैक्टोज ऑक्सिम बनता है। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा एकदम, ताकि आपको भी समझ में आ जाए एकदम अच्छी एक ही बार में, ठीक है। चलिए तो अब हम कराते हैं क्रिया, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, CH2OH हो गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, अपॉन सॉरी बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, CHOH, ये हो गया, ये कितना रहेगा, थ्राइस, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा CH2OH हो गया, क्लियर है इतना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब प्लस किससे कराना है, NH2OH से, तो इसको लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे खिलवाड़ होने वाला है। तो क्या होगा जरा देखते हैं ध्यान से, इसका सूत्र होता है NH2OH,
ये होता है, ठीक है। अगर हम एच टू को आगे कर देते हैं, ठीक है, और एन को पीछे कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखते भी हैं। देखिए एच टू को आगे कर देते हैं, एच टू हो गया, अब उसके बाद हम लिखते हैं एन को, ठीक है, फिर उसके बाद हम ओ एच को एड कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको चाहे तो फिर से पीछे करके वही चीज बना सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखे हैं आप समझिएगा, यहां से H2, ठीक है, इस O के साथ निकल जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम बना रहे थे। तो देखिए यहां से निकल जाएगा H2, निकल गया आपका H2O निकल गया, ठीक है, यहां से H2O, H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या, उसको लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो आपका आएगा क्या, पहले हम इसको लिख लेते हैं सी एच ओ एच का थ्राइस, ये हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, ये हो गया। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका जो सी था ये तो रहेगा, इसके साथ कौन सा बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और हो जाएगा एन ओ एच, एन ओ एच यहां से लिखे हैं जो आपका यहाँ बचा हुआ था, तो हो गया एन ओ एच, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर जो बचा है इसका हम वैसे लिख देंगे सी एच टू ओ एच, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फ्रैक्टोज ऑक्सीम, इसका नाम लिख देते हैं फ्रैक्टोज ऑक्सीम, ठीक है, ऑक्सीम। तो ये हो गया फ्रैक्टोज ऑक्सीम, इसका नाम जो कि अभी हमने बताया था यहाँ पे बनेगा जो, और ये क्या हो गया, ये तो हो गया फ्रैक्टोज, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं फ्रैक्टोज हो गया, ठीक। तो ये देख से समझ में आ गया आपको, हमें तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को हमको पता लग सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले लेक्शन की ओर, तो आइए देखते हैं अगला लेक्शन क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए जो लास्ट वाला लेक्शन है, ये जो लेक्शन है इसको समझिए। तो ये लेक्शन में क्या बताया जा रहा है, सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच टू से क्रिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेनिल हाइड्राजिन, ठीक है, कैसे, यहां हो गया फेनिल, फेनिल यहां हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो आइए कराते हैं जरा इनसे, देखते हैं क्या बनते हैं, ठीक है। चलिए तो जब फ्रैक्टोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराई जाती है तो फ्रैक्टोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है, क्या बनता है, फ्रैक्टोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है। तो आइए पहले हम ये बना के आपको दिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा एकदम, अगर ये चीज समझ लेते हैं, रिएक्शन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन हम इसको समझा देंगे ऐसा कि आप अपने अपने आप से करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। तो पहले हम इसको करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम करेंगे क्या, पहले नाम उसका सूत्र लिख लेते हैं, किसका, फ्रैक्टोज का। तो क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, ये हो गया। अब देखिए सी ओ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी एच ओ एच थ्राइस, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फ्रैक्टोज, ठीक, इतना क्लियर। चलिए अब इसका हम क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, सी सिक्स, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच टू, ठीक। चलिए तो हम एक बात करते हैं छोटा सा, क्या कि इसका सूत्र ये होता है, ठीक है, अगर हम H2 को आगे कर दें, किसको, H2 को आगे कर दें, कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, प्लस, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसका सूत्र तो ये होता है, ये H2 जो लास्ट में है इसको आगे लिख देते हैं, H2 हो गया। अब देखिए H2 हो गया, फिर ये चीज हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है, H2 हो गया, फिर ये वाला एन लिख देते हैं, तो हो जाएगा H2 एन हो गया, बाकी ये लिख देंगे NH, सॉरी NH नहीं, ये सी सिक्स एच फाइव एन एच, पूरा ये लिख देंगे अब हम, ठीक है। इसमें से इसको आगे कर दिए हैं और इसको पीछे कर दिए, बाकी सेम लिख देंगे, तो जाएगा सी सिक्स एच फाइव एन एच। तो हमें लगता है कि आपको डाउट तो होगा नहीं कहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, एन एच टू में से हम एच टू को आगे कर दिए हैं, एन को पीछे कर दिए, बाकी सेम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर अब भी आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अब हम करेंगे क्या, यहां से H2 को निकालेंगे और यहां से O को निकालेंगे, तो आपका ये H2 हम निकाल के क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो चलिए देखिए यहां से H2O निकल गया,
ठीक, H2O निकल गया, तो आपका बचा क्या? ध्यान से देखिएगा, जो आपका बचा है बस वही आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलिए लिखने में क्या हो रहा है, ये आपको लिख देते, ये आपका लिख देते हैं CHOH का थ्राइस, ये हो गया। और बट नीचे क्या है, बॉन्ड के साथ लगा है CH2OH, यही वाला सेम हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला भी वैसे ही रहेगा सेम, तो ये C लिख देते हैं, ठीक है, C हो गया आपका। और जो चीज बचा हुआ है, क्या बचा है ध्यान से देखिए, तो आपका बचा है इतना चीज NC6H5NH बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जगह C हो गया, अब लिखेंगे N, ठीक है, N हो गया, फिर लिखेंगे ये वाला NH, N H हो गया, अब बाकी C6H5, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज बचा है ऊपर वाला CH2OH, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, इसका नाम हो गया पूरा टोटल क्या, जो भी हम आपको बताए थे, फ्रैक्टोज फेनिन हाइड्रो हाइड्रेजोन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा फ्रैक्टोज, दिखाई दे रहा है, चलिए फ्रैक्टोज हो गया, ठीक है, फेनिन हाइड्रेजोन, तो हो जाएगा हाइड्रेजोन, ठीक। तो ये हो गया इसका नाम, क्लियर है। चलिए, तो देखिए, जो आज का जो आपका लास्ट क्या है, प्रॉपर्टीज है, क्या है, किण्वन, ठीक है। किण्वन हम आपको ग्लूकोज में भी बताए थे और फ्रैक्टोज में भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है, यह जाइमेज की उपस्थिति में अपघटित होकर एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आइए कराते हैं एक बार। तो इसका हम जो फ्रैक्टोज का सूत्र होता है उसके बड़े जैसे संरचना नहीं लिखते हैं, बल्कि वैसे लिखते हैं जो नॉर्मली लिखते हैं। तो हो जाएगा C6H12O6, ये हो गया आपका फ्रैक्टोज, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्टोज, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्टोज। अब हम इसका क्रिया कराएंगे जाइमेज की उपस्थिति में, ठीक है। तो हो जाएगा जाइमेज की उपस्थिति में, अब इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमने आपको बताया था एथिल एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक, इतना बताया था। चलिए, तो हमको एथिल एल्कोहल पता है बनेगा, तो एथिल एल्कोहल बना देते पहले, C2H5OH हो गया, ठीक है, और क्या बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, इधर और इधर का दोनों बराबर होना चाहिए। तो इधर C कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, तो इधर हमारा कितना टोटल कंप्लीट हुआ है, 2 यहां हुआ है और 1 यहां हुआ है, 3 हुआ है, तो हमको अभी कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, तो हम यहां पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 2 × 4, 4 × 1 = 5, मतलब एक चीज की और हमें कमी हो रही है, एक और हमको चाहिए सी, तो यहां पे 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं कंप्लीट है, 2 × 4, 4 × 2 = 6, मतलब 6 हमारा सी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एच पे, एच हमारा 12 है, कितना है, 12, तो गिनते हैं एच हमारा 12 कंप्लीट है कि नहीं। तो देखिए, 5 × 2 = 10, 10 ये एच कंप्लीट है और 2 यहाँ पे लगा है आगे, यहाँ पे एच, ये एच है, तो 10 × 5 = 10, 10 × 2 = 12, तो मतलब हमारा एच भी 12 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं ओ हमारा 6 कंप्लीट है कि नहीं, ओ हमारा कितना है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 2 × 4, 4 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, तो 6 हमारा ओ भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए कुछ इसके बारे में बता देते हैं, हम इसके यूजेस कहाँ होते हैं फ्रैक्टोज के, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है जो इसका उपयोग होता है, पहला, यह चीनी के विकल्प में, यह चीनी के विकल्प के रूप में पाया जाता, रूप में होता है, ठीक है, ठीक, यह चीनी के विकल्प के रूप में होता है, कौन, फ्रैक्टोज। दूसरा क्या है,
फ्रैक्टोज का उपयोग मीठी गोलियां तथा टॉफियों के निर्माण में किया जाता है। जो फ्रैक्टोज होता है इससे मीठी गोलियां बनाई जाती है, और टॉफी वगैरह जो भी देखते हैं चॉकलेट वगैरह वो किससे बनाई जाती है, फ्रैक्टोज से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, औषधियों के ठीक है सीरप में निर्माण में होता है। तो मतलब कि जो औषधियां जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें जो सीरप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, इसका किया जाता है यानी फ्रैक्टोज का। ठीक है, चलिए चौथा समझते हैं। चौथा में क्या है, मधुमेह रोगियों को शर्करा के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। मतलब यह मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए शर्करा के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्टोज का उपयोग। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज ये आपका फ्रैक्टोज नाम का जो टॉपिक था ये भी क्लियर हो गया पूरा। अब बचा है सुक्रोज, सुक्रोज की बात करेंगे अगले वीडियो में, ताकि ये चैप्टर पूरा आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए आप लोग अपने टाइम पे आकर रोज स्टडी करते रहिए। ठीक है।